नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हाल ही में इसराइल को परमाणु हमले की धमकी दी है, जबकि इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। इस धमकी ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। आइए जानते हैं इस स्थिति की पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किम जोंग उन ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वह सत्ता में होते तो अब तक इसराइल पर परमाणु बम गिरा चुके होते। यह बयान ऐसे समय में आया है जब इसराइल और हमास के बीच संघर्ष ने काफी तबाही मचाई है। वर्तमान संघर्ष में अब तक 5,000 से अधिक मौतें और 18,000 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। साथ ही हजारों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। आर्थिक नुकसान भी अरबों में है। ऐसे में किम जोंग उनकी धमकी ने वैश्विक स्तर पर चिंता को बढ़ा दिया है। किम जोंग उन ने इस संघर्ष को केवल एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पेश किया है। उन्होंने इसराइल के खिलाफ परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है, जिससे वैश्विक सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई। परमाणु युद्ध का खतरा बहुत गंभीर है। इतिहास में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु हमलों ने विश्व को इसकी विध्वंसकारी शक्ति का परिचय दिया था। किम जोंग उनकी धमकी इस भयावहता को दोहराती है और परमाणु हमले की संभावित तबाही की गंभीरता को उजागर करती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो हमास उन्नत हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिनमें नॉर्थ कोरिया और ईरान के हथियार शामिल हैं। इजरायली रक्षा बलों ने इन हथियारों को हमास के आतंकियों के पास से बरामद किया है, जिसमें A7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और अन्य उन्नत हथियार शामिल हैं। इन हथियारों के मिलने से यह तो साफ हो जाता है कि इसमें अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। ईरान और नॉर्थ कोरिया की भागीदारी ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस खतरे का सामना कर रहा है। वैश्विक शक्तियों की भागीदारी से इस स्थिति की विकसित होने की संभावना है, जो कि एक चिंता का विषय है। परमाणु युद्ध की संभावना बेहद खतरनाक है और इसके प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किए जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो इसके परिणाम केवल तत्काल क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होंगे। ऐसी स्थिति वैश्विक प्रगति को दशकों पीछे ले जा सकती है और गंभीर मानव हानि का कारण बन सकती है। जैसे जैसे यह स्थिति विकसित हो रही है, पूरी दुनिया को आशा है कि कूटनीतिक प्रयासों से और बड़ी तबाही को टाला जा सके। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रभावी और संतुलित प्रतिक्रियाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर? क्या ऐसे परमाणु बम की धमकी देना सही है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।